लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. He's innocent, Daddy. He's being victimized. You know he's absolutely innocent. What's wrong with you? Why the hell are you repeating yourself again and again? बेफिक्र होकर नहीं बैठा हूँ मैं. हर कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन विजय को बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है. और जिस हाल में वो आज है उसके लिए किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है. डैडी विजय. Shut up. You just shut up and listen to me. ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसकी? हाँ, रतन सेठी को उसके घर पर जाकर मारा उसने. पुलिस हेडक्वार्टर में जो हंगामा किया भोसले पर भी हाथ छोड़ा उसने. अरे, he's just an under training officer. Is that any bloody way to behave with somebody who's much senior to you? मैं जानता हूँ भोसले ने उस पर कुछ गलत इल्जाम लगाए, मगर झूठ? अरे कितना झूठ! इंस्पेक्टर गोडबोले का रिवॉल्वर लेकर उस पर फायरिंग की उसने. हाँ, हो सकता है इसमें भी कुछ झूठ हो, मगर इस झूठ को साबित करने के लिए उसने छोड़ा ही क्या? बैठो. तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं. प्लीज डैडी, I'm really very sorry. मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था. शायद मुझे आपकी ड्यूटी और कामकाज के बारे में जरा भी समझ नहीं है. मैं तो ये भी भूल गई थी कि आप मेरे डैडी होने के अलावा और भी कुछ है. डैडी, आप विजय के लिए ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे आपके करियर पर आ जाए. मेरी सॉरी डैडी, मेरी सॉरी. भोसले ने विजय के केस को और भी क्रिटिकल बना दिया है. ऐसी सिचुएशन में अगर हम विजय की फेवर में कोई भी मूव लेते हैं तो इससे भोसले को और भी फायदा हो सकता है. और चौधरी साहब, भोसले ये सब इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि वो कानून रौंद कर चल रहा है और हम कानून पालकर. क्यों क्यों पालकर चल रहे हैं हम कानून को और हम पा क्या रहे हैं इसे पालकर? वो लोग जिनके सिग्नेचर्स और ऑर्डर्स पर ये कानून चल रहा है उनकी पार्टीज में मौज मस्ती करने के लिए भोसले जैसे लोग होते हैं और उनकी मीटिंग्स में शर्मिंदा होने के लिए हम जैसे लोग. मिस्टर पांडे, अपनी ड्यूटी के नाम पर इतने सालों से मैंने अपने हाथ बांधे सिर्फ गुलामी की है. अपने फर्ज के जिस एहसास को मैं परसों पहले दबा चुका था, आज अपनी बेटी के दिल में मैंने उसी फर्ज के लिए बड़ी इज्जत देखी. मिस्टर पांडे, इलेक्शन के बाद चीजें और बदल जाएंगी और तब विजय को बचाना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा. हर मुश्किल का हल होता है चौधरी साहब. एक बात तो तय है, सच्चाई और बुराई की जब भी भिड़ंत हुई है दम हमेशा बुराई नहीं तोड़ा है. के पैसे मैं कर्ज पर ले रहा हूँ. बताओ भाई, अभी धंधा एकदम ठंडा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है. चूल्हा जलता है ना तेरे घर में? बाल बच्चे सड़कों पर भीख तो नहीं मांग रहे ना साले? ये कंगाली मेरे लिए ही छाई है ना. सेठी को जो 2 लाख रुपए दिए वो किधर से निकला है? साला, इलेक्शन की हवा क्या बदली, रंग बदल लिए तुम लोगों ने. देखिए दादा भाई, मेरी प्रॉब्लम समझिए, आप कहें तो मैं 50,000. अबे चुप! आप लोग अखबार की इन सुर्खियों पर मत जाइए, मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है. ये सब राजनीतिक खेल चल रहा है. मेरा झूठा बयान छपवाकर कोई फायदा उठाना चाहता है. सर, क्या झूठ है क्या सच है हमारी समझ से तो बाहर है. शहर में गुंडा ताकते खुलकर अपना काम कर रही हैं.
और हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने सब देख लिया है, उन लोगों ने विजय को फंसाने में इतना वक्त नहीं लिया। सर, इस सिस्टम में एक बेकसूर आदमी के गर्दन कस देना बहुत आसान है, लेकिन उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल। तो फिर क्या किया जाए, आप लोग ही बताइए कैसे क्या किया जाए, बताइए ना। आप लोगों की सलाह की बदौलत रिटायरमेंट से पहले शायद मेरे हाथों कोई बहुत बड़ा काम हो जाए। बोलिए, बोलो रवि, बोलो राणा, कामत, आप ही बोलिए। इन हालात में मुझे और कमिश्नर साहब को क्या करना चाहिए, आप लोग क्या समझते हैं? बेकसूर विजय को एक अपराधी का लेबल लगाकर पुलिस लॉकअप के अंदर डाल दिया गया, यह बात मेरे लिए कोई गर्व की बात है? एक सिपाही जिसे फर्ज के मायने समझाकर मैंने एक रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते पर चलकर एक ऐसे भंवर में फंस गया जहां उसकी जिंदगी, उसका कैरियर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। विजय की इस हालत से तुम लोगों का तो सिर्फ दिल दुखा है, लेकिन यहां चोट सीधे मेरे पुरुषार्थ पर लगी है। विजय को इस भंवर से निकालने में अगर मैं नाकाम होता हूं तो इस नाकामी के तमगे को लगाकर जिंदगी काटना मेरे लिए निहायत शर्मनाक होगा। तो
बोल किसका आदमी है।